नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में शनिवार को अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर के अजमेर गेट स्थित सुभाष सर्किल पर शहर के कई संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की ओर से सुभाष सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आप पदाधिकारियों ने बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर पदाधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा आदि नारे लगाए। इस दौरान पार्टी के राधा वल्लभ माहेश्वरी, नीलेश बुरट, महेश शर्मा, कन्हैयालाल खत्री, बाबू चीता, मानद बोहरा तथा संपत्ति बोहरा आदि उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से अजमेरी गेट स्थित सुभाष चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष मेवाड़ा ने नेताजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनकी ओर से देश के लिए किए गए बलिदान को याद किया। साथ ही नेताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए उनके अधूरे सपनों को साकार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, बालूराम सेन, सुरेश चौहान, पप्पू पहलवान, सुरेंद्र सेन, रामनिवास सेन, विक्रम सोनी, सोमदेव साहू, संपत्ति बोहरा, मानक बोहरा सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अजमेरी गेट स्थित सुभाष चंद्र सर्किल पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, पार्षद जय करीवाल, त्रिलोक शर्मा, हंसराज शर्मा, नीरू महेंद्र चौहान, हरीश साखला, बीना राजेश झंवर, मनोज राज तंवर, गोपाल रावत, मुन्नी रामेश्वर गहलोत, कुलदीप बोहरा, सुरेंद्र सोनी, सुनीता भाटी, मोती सिंह साखला, माया शंकर यादव, उपसभापति रेखव चंद खटोर, विष्णु हेड़ा, रवि टाक, कमल वैष्णव तथा पेप्सी रावत आदि उपस्थित थे। परिवहन विभाग की ओर से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत शनिवार को यातायात पुलिस तथा पुलिस मित्रों के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। शहर के श्री थाने से शुरू हुई वाहन रैली को यातायात पुलिस के दीवान प्रसन्न काठात ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरी झंडी मिलने के बाद सिटी थाने से शुरू हुई वाहन रैली भगत चौराहा, श्री मेगा हाईवे, सिटी सिनेमा, चांग गेट और चौपट, गिब्सन हॉस्टल मार्ग, राठी जी की हवेली, नया बास, तेलियान चौपट, भेरू खेचरा, एकता सर्किल, महादेव अजमेरी गेट, सुभाष चौक, एसबीआई सर्किल होते हुए पुनः सिटी थाने पहुंचकर संपन्न हुई। वाहन रैली में शामिल सभी लोग आमजन को नारों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए यातायात नियमों की पालना का आह्वान कर रहे थे। रैली में यातायात पुलिस से महादेव, राजेंद्र, अब्दुल रहीम, बनवारी लाल, सिटी थाने से हेड कांस्टेबल कन्हैया लाल, कैलाश चंद, राजेंद्र जलाराम, इंद्रवेश, जितेंद्र सिंह, सोहन दुर्गाराम तथा पुलिस मित्र प्रवीण बड़ोला, प्रणय राजन, राजेंद्र सोनी तथा सतीश गर्ग आदि शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ब्यावर में यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह की एक रैली निकाली गई, जिसमें आम जनता को समझाइश की गई कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाएं, अपने नाबालिग बच्चों को कोई भी परिवारजन नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं दें, यातायात नियमों की पालना करें। इस संबंध में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली थाने से रवाना होकर शहर के विभिन्न बाज़ार में से, पाली बाज़ार में से निकलती हुई थाने पर वापस पहुंची। सभी से मेरा निवेदन है कि यातायात नियमों की पालना करें और हेलमेट आपके शरीर पर बोझ नहीं है, हेलमेट आपकी सुरक्षा है, सदैव हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। शहर के बलार रोड सुरेश नगर में शुक्रवार रात को अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए मकान के भीतर से 40,000 रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। मकान मालिक को चोरी की वारदात की जानकारी शनिवार सुबह पड़ोसियों द्वारा मिली थी। जानकारी मिली है कि मकान मालिक अपनी मां की मौत के कारण जवाहर नगर स्थित अपने पिता के मकान पर गया हुआ था। पड़ोसियों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मकान मालिक ने घर की जाँच पड़ताल करने के बाद सिटी थाना पुलिस को चोरी की वारदात की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके
पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात चोर आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं। जानकारी अनुसार बलार रोड सुरेश नगर निवासी भगवान पुत्र बाबूलाल साहू अपनी माँ के निधन के बाद जवाहर नगर स्थित अपने पिता के घर पर गया हुआ था। इस दौरान उसका मकान सुना था। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर मकान के भीतर प्रवेश किया और कमरों को खंगालते हुए मकान में रखी 40,000 रुपए की नकदी, 3 तोला सोने के आभूषण तथा 10 चांदी के सिक्के चुरा ले गए। माता जी शांत हुई मेरे और मैं पिताजी वापिस था और आज सुबह फोन आया मेरे पास क्या मकान के ताले टूटे हुए आपके। फिर मैं चेक करने आया यहाँ पे तो सब ताले टूटे हुए थे और ये सामान सारे बिखरे हुए थे और मैंने पुलिस को भी सूचना दे दी और रिपोर्ट रिपोर्ट मनवा दी और सब सामान बिखरे हुए थे और ये कुछ 40,000 तो रोकड़ थे और कुछ गहने थे, ये चेन और टोपस और अंगूठी और कुछ चांदी के आइटम और पुलिस को सूचना मैंने दे दी। नगर परिषद की ओर से शहर में विकास कार्यों की सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व में जारी टेंडरों की क्रियान्विति होने के साथ शहर में सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के वार्ड संख्या 44 के नानेश नगर में सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। 7 लाख रुपए की लागत से करीब 150 मीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य के शुभारंभ के मौके पर विधायक शंकर सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने विधिक पूजा अर्चना के साथ सड़क निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। इस दौरान पंडित विष्णु शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधायक सभापति से औजारों की पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उपस्थित विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया, उपसभापति ऋषभ चंद खटोर तथा पार्षद गणों का माला विसाफा पहनाकर स्वागत करते हुए उक्त कार्य के लिए आभार प्रकट किया। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान मौके पर पार्षद अंगद राम अजमेरा, विष्णु हेड़ा, बीना झंवर, वेदराज भाटी, माया यादव, गोपाल सिंह सेदरिया, मुनि देवी, रामेश्वर लाल गहलोत, यशोदा देवी, संपत जांगीर, मनोज राजदंवर, हरीश दाखला, क्षेत्रवासी उत्तम भंडारी, कैलाश चंद भंडारी, गौतम बाबेल, सतीश बाबेल, सुराजेंद्र सुराना, एमसी झंवर, कैलाश छीपा तथा मुकेश बाबेल आदि उपस्थित थे। शहर के पाली बाजार तथा तेजा चौक में नगर परिषद की ओर से पूर्व में की गई पार्किंग व्यवस्था को पुनः हटवाने के लिए नगर परिषद ने कमर कस ली है। इस हेतु नगर परिषद की ओर से बाजार में कई बार कार्यवाही को अंजाम देकर डिवाइडरों के बीच वाहनों को खड़ा करने के लिए पाबंदी भी लगा दी है। साथ ही नगर परिषद की ओर से दुकानों के बाहर व्हाइट लाइन भी खिंचवा दी है और दुकानदारों को पाबंद किया है कि वे अपना सामान व्हाइट लाइन से बाहर नहीं रखें और अपने वाहन भी यहां पर ही पार्क करें। पार्किंग को हटाने के लिए परिषद प्रशासन की ओर से पाली बाजार में कई स्थानों से डिवाइडरों पर लगी टाइल्स भी खुदवा दी है और अब डिवाइडरों के मध्य स्थित विद्युत पोलों को भी हटाने की तैयारी की जा रही है। शहर के पाली बाजार तथा चौक क्षेत्र में स्थित पार्किंग को परिषद प्रशासन की ओर से हटाए जाने के बाद आमजन तथा दुकानदारों को होने वाली परेशानियों को लेकर जय स्काई न्यूज चैनल ले जाने शहरवासियों तथा व्यापारियों के विचार, व्यापारियों तथा आम शहरवासी से की गई बातचीत में सामने आया कि डिवाइडरों के मध्य स्थित पार्किंग को हटाने के बाद शहर में खरीदी करने वाले आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों का कहना रहा कि अगर किसी दुकान पर 2 या 3 खरीदार पहुंचते हैं तो उनके वाहन कहां पार्क होंगे और एक ही दुकान के बारे में 1 से अधिक वाहन खड़े होंगे तो यातायात व्यवस्था तो इससे भी बिगड़ेगी। दुकानदारों के अनुसार प्रत्येक दुकान पर 1 या 2 व्यक्ति काम करते हैं, ऐसे में 2 वाहन तो प्रत्येक दुकान के बाहर पहले से ही खड़े रहते हैं, ऐसे में खरीदार के वाहन कहां खड़े होंगे, यह बात परिषद प्रशासन के समझ में क्यों नहीं आ रही है। व्यापारियों का कहना रहा कि पार्किंग को हटवाने से पहले नगर परिषद प्रशासन को इससे उत्पन्न होने वाली परेशानियों का हल ढूंढना चाहिए। आइए पार्किंग व्यवस्था को लेकर जानते हैं शहर के व्यापारियों का मत। किराना मर्चेंट एसोसिएशन उपाध्यक्ष रामरतन भुदना ने पार्किंग को लेकर बताया कि नगर परिषद को चाहिए कि अगर पार्किंग को हटाना ही है तो पहले डिवाइडरों के मध्य स्थित विद्युत पोल हटाए जावे ताकि बाजार का आवागमन सुचारू हो, साथ ही ठेले वालों पर भी अंकुश लगावे और उन्हें अपने निर्धारित स्थान पर भेजा जाए ताकि बाजार की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। पार्किंग के लिए प्रशासन ने जो व्यवस्था भी नहीं बनाई है उसके लिए मेरा यही सुझाव है कि अगर पार्किंग अगर बीच में से हटा रही है प्रशासन तो ये विद्युत पोल जो बीच में लगे हुए हैं इनको हटाया जाए जिससे कि आवागमन सारा सुगम हो जाए। और अगर व्यापारियों की दुकान के बाहर अगर ये गाड़ियाँ लगेगी, अभी तो सपोज करो अभी तो व्यापार अभी कम है, ढीला है, लेकिन जब व्यापार चलेगा, शादी ब्याह की सीजन आने वाली है,
और भी त्यौहार वगैरह आएंगे उस समय अगर दुकान के बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहेगी तो न तो ग्राहक कोई दुकान पर आ सकता है, न दुकान के अंदर ग्राहक प्रवेश कर सकता है और न किसी को सामान दे सकते हैं सुविधा देना। दुकानदार मोहनलाल खंडेलवाल ने पूर्व की व्यवस्था की पैरवी करते हुए कहा कि पार्किंग तो बीच में ही होनी चाहिए, पार्किंग के हटते ही बाजार में अव्यवस्थाओं का आलम हो जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि पहले की व्यवस्था को बहाल करे तथा पार्किंग व्यवस्था को यथावत रखे। वर्तमान व्यवस्था के चलते दुकानदार तथा ग्राहक दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी के पास स्वयं के पास भी वाहन होते हैं, अगर व्यापारी अपना वाहन दुकान के बाहर खड़ा करता है तो ग्राहक भी अपना वाहन उसके पीछे खड़ा करता है, जिसके कारण वाहन बीच रास्ते तक आ जाता है। प्रशासन को चाहिए कि पूर्व की व्यवस्था को ही यथावत रखे। इनकी व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है वो बहुत खराब है। बीच की जो पहले व्यवस्था थी पार्किंग की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सही थी, खाली उसमें एक यही था कि आप साइड में जो ठेले वाले खड़े रहते हैं उनको हटा दें ताकि व्यवस्थित रूप से यातायात सुचारू रहे। अभी की व्यवस्था बहुत खराब है, व्यापारियों के हित के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि व्यापारी के खुद के दो दो तीन तीन बाइक होती है, गाड़ी होती है, वो दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है, फिर ग्राहक आता है तो उसके पीछे वो गाड़ी खड़ी हो जाती है तो एक छोटी सी गली बच जाती है वो, जबकि आपका मकसद है कि बाज़ार को चौड़ा करना, जबकि बाज़ार और ज़्यादा सकड़ा हो जाता है। इसीलिए हमारा निवेदन है कि पार्किंग की व्यवस्था जो पूर्व में थी पाली बाजार के व्यापारी सुनील अग्रवाल का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन ने पार्किंग को हटाने की तैयारी कर ली है, लेकिन इसके कारण बाजार में परेशानियां बढ़ गई है। वर्तमान व्यवस्था के चलते परेशानी यह है कि अब व्यापारी तथा दुकानदार अपने वाहन कहां खड़े करें, अगर दुकानों के सामने वाहन खड़ा करें तो ग्राहक कैसे आए, और अगर पार्किंग में खड़ी करें तो कर्मचारी उठा कर ले जाते हैं और चालान बना देते हैं। समस्या के समाधान के लिए पहले डिवाइडरों के मध्य लगे खम्भों को हटाया जावे। इतनी समस्या आ गई है भैया के अंदर, गाड़ी दुकान के सामने लगाएं या पार्किंग में लगाएं, यही अंजस सब कहाँ खड़ी करें। पार्किंग में खड़ी करते हैं तो लोग उठा के ले जाते हैं कि चलान कर देते हैं, खड़ी करें तो खड़ेगा, दुकान के सामने जगह है नहीं, ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, इधर से अति के मन वाले आते हैं थोड़ा तो नहीं जाते, फिर ठेले वाले वापस बाहर आके खड़े हो जाते हैं, तो पार्किंग की समस्या इतनी बड़ी हो गई है। अगर पार्किंग हटानी है आपको तरीके से हटानी है तो पहले पोल हटा के फिर पार्किंग की व्यवस्था हटाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। व्यापारी विमल नाहर ने पूर्व में प्रशासन तथा नगर परिषद की ओर से बनाई गई पार्किंग की व्यवस्था सही बताई है। उन्होंने कहा कि इससे वाहन एक निर्धारित स्थान पर खड़े हो जाते हैं और ग्राहक आसानी से अपना कामकाज कर सकता है। बिना पार्किंग के वाहन चालक अपनी मनमर्जी से वाहन लेकर इधर से उधर चले जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी हो सकती है। प्रशासन को चाहिए कि पार्किंग को यथावत रखा जावे ताकि बाजार की व्यवस्थाएं बनी रहे। अगर व्यवस्थाओं में सुधार करना ही है तो सबसे पहले बाजार से हाथ ठेले वालों को अपने निर्धारित स्थान पर खड़ा करने की व्यवस्था की जावे। पार्किंग का यहाँ तक सवाल है, क्योंकि बीच में जो व्यवस्था बनाई थी पहले पार्किंग की वो एकदम सही थी, उससे क्या है कि गाड़ियाँ बीच में खड़ी रह जाती थी। अब ये क्या है कि जैसे ही पार्किंग हटाई इधर से उधर आड़े टेढ़े चलते हैं ये सब गाड़ियों वाले, और वो जो गाड़ियाँ हैं ना सब दुकानों के सामने हो गई, अब दुकानदार के ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं रहा। ग्राहक कोई आएगा तो चढ़ेगा कैसे, और तीन चार पाँच ग्राहक आ गए और उसकी गाड़ियाँ लग गई लाइन में तो चढ़ेगा कहाँ से वो। तो ये पार्किंग की व्यवस्था तो बीच पे ही रहनी चाहिए, और ये ठेले वालों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ठेले वालों की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए, इनको गलियों में या कहीं भेजना चाहिए। उधर चांगेट व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील सकलेचा ने नगर परिषद की ओर से पार्किंग हटाने के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का पार्किंग हटाने का निर्णय सही है, लेकिन पहले डिवाइडरों के बीच लगे खंभों को हटावे, नई व्यवस्था के बाद सब्जी सहित अन्य सामग्री बेचने वालों के नई जगह बैठने से राहत मिलेगी, जिसके चलते आवागमन सुगम हो रहा है। पूर्व की व्यवस्था में कॉम्प्लेक्स वालों के वाहन भी पार्किंग में सुबह से शाम खड़े रहते थे और अजमेर या फिर अन्य स्थानों की यात्रा करने वाले भी अपने वाहन यहाँ खड़े कर जाते थे, जिसके कारण दिन भर आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। टारगढ़ निवासी प्रकृति प्रेमी हजारे सिंह ने शनिवार को अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पवन चौहान के जन्मदिवस पर कपड़े के थैले वितरित किए। कोरोना हारे का देश जीतेगा का संदेश लिखे इन थैलों के वितरण के साथ आमजन को प्लास्टिक मुक्ति का संदेश दिया गया। कपड़े के थैलों पर साफ और सुंदर ऐसा भारत देश होगा, छत पर पानी के परिंडे अवश्य रखे, तथा अपने जन्मदिवस पर शहर के मुक्ति धाम में पौधे लगाने की भी अपील की गई है। शनिवार को हजारे सिंह ने बैग वितरण कार्य का शुभारंभ शहर के अजमेरी गेट स्थित सुभाष चंद्र सर्किल से
किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने बैग वितरण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान नगर परिषद कर्मचारी तथा पटेल स्कूल के अध्यापकों को 151 बैग भेंट किए गए। साथ ही नगर परिषद के पार्षदों को भी कपड़े के बैग भेंट किए गए। कार्यक्रम के दौरान भिकम चंद, किशन लाल, पृथ्वी सिंह चौहान, देवेंद्र भंडभेरू, शंकर लाल सेन, सूरज भट्ट गुर्जर, नरेंद्र गहलोत, मुकेश सेन, पटेल स्कूल के राजेंद्र प्रजापति, मुकेश प्रजापति, परमेश्वर सिंह, मोहन सिंह, गणेश दास तथा नगर परिषद के पार्षदगण उपस्थित थे। शहर के सूरजपुर गेट शीतला माता गली निवासी एक 35 वर्षीय विवाहिता ने शनिवार दोपहर में अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। विवाहिता ने अपने घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने सिटी थाना पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतरवा कर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। सिटी थाना पुलिस ने शाम को परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवा कर पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। सिटी थाना पुलिस के अनुसार सूरजपुर गेट शीतला माता गली निवासी प्रेमचंद टाक की 35 वर्षीय पत्नी भगवती देवी ने शनिवार दोपहर में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालिकाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निबंध, पोस्टर और वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम में वाद विवाद प्रतियोगिता में सलोनी संगी विषय प्रथम व द्वितीय तथा निबंध में नीतू चौहान, छवि गुप्ता और पोस्टर में टीना साक्षी जांगीर प्रथम व द्वितीय स्थान पर है। कार्यक्रम में श्रीमती मीना रांका, मनीषा ओझा, अनिता चौहान, मनमोहन सिंह प्रभारी श्रीमती लता जेठलिया और स्वाति माहेश्वरी आदि ने सहयोग दिया। अंत में संस्था प्रधान श्रीमती अजय रानी माहेश्वरी ने बालिका दिवस के बारे में छात्राओं को अपने उद्बोधन से बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें समाज में अपना स्थान बनाने के लिए प्रेरित किया। एक ओर तो शासन तथा प्रशासन बिजली बचाने हेतु नारे तथा स्लोगन आदि से आमजन को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण शहर के वार्ड संख्या 51 की विभिन्न कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइटें दिन के समय भी जलती रहती है, जिसके कारण नगर परिषद का विद्युत खर्च बढ़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस बाबत कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि स्ट्रीट लाइटें दिन के समय तो जलती रहती है, लेकिन रात के समय स्ट्रीट लाइटें बंद होने के कारण कॉलोनियों में अंधेरा छाया रहता है, जिसका फायदा उठाकर चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और दिन के समय जलने वाली स्ट्रीट लाइटों को बंद करे तथा ऐसी व्यवस्था करे कि स्ट्रीट लाइटें रात के समय जले, ताकि क्षेत्र में चोरी की वारदातों का भय नहीं रहे। बड़ा रोड सवारी माता मंदिर 24 घंटे लाइटें चालू रहती है। मैंने प्रशासन को कितनी बार शिकायत करी, प्रशासन पार्षद को कि ये लाइटें चालू रहती है, आप इसको बंद कराए या फिर ध्यान दे। रात को चोरी होती है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, और रात को तो लाइटें बंद रहती है और दिन को लाइटें चलती है। बड़ा रोड हमारी सवारी माता मंदिर इधर जगदीश कॉलोनी हुई क्या, और रात को लाइटें आती नहीं है, चोरी होती है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में टीकाकरण कक्ष में टीकाकरण कार्य जारी है। प्रतिदिन सेंट पर शहर के चिकित्सा कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। विगत 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण कार्य के दौरान अब तक कुल 444 कार्मिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। वैक्सीन सेंटर पर ड्यूटी देने वाले चिकित्सा कर्मी सावधानी पूर्वक टीकाकरण कर रहे हैं। शनिवार को वैक्सीन सेंटर पर शहर के विभिन्न निजी तथा सरकारी अस्पताल के 100 चिकित्सा कार्मिकों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 28 महिला तथा 72 पुरुष शामिल थे। मालूम हो कि एकेच में अब तक किए गए टीकाकरण की खास बात यह रही है कि एक भी कार्मिक में इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। शनिवार को टीकाकरण सेंटर में पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, जितेंद्र फुलवारी तथा आशा तंवर, कृष्णा जोली शर्मा, हिमलता जालाराम, सीमा भाटी तथा रज्जाक खान आदि ने अपनी सेवाएं दी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र जिला शाखा ब्यावर की ओर से आयोजित कर्तव्य बोध पखवाड़े का समापन शनिवार को किया गया। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती से 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक संगठन के द्वारा कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया जाता है। शनिवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में संघ द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम आयोजन एवं कर्तव्य बोध पखवाड़े का समापन किया गया। विभाग संगठन मंत्री गुरुचरण गोयल ने अपने उद्बोधन में संगठन की
रीति नीति के साथ वर्ष पर्यंत होने वाले कार्यक्रम पर विचार रखे। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रजापति ने संगठन के सभी शिक्षक साथियों को आह्वान किया कि छात्रों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। प्राध्यापक परमेश्वर सिंह जी ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त किया। समारोह में जिला महिला मंत्री गीता सोलंकी, उपशाखा मंत्री मुकेश प्रजापति, अतिरिक्त जिला मंत्री रोहित जैन, जिला कोषाध्यक्ष विष्णु दत्त गोयल, प्राध्यापक कंचन परिहार, शिवलाल, नरेंद्र गहलोत, लक्ष्मण राम, महेंद्र पाल वर्मा, गणेश दास, मोहनलाल राव, विमला मंडलिया, जानकी टाक तथा कल्पना कुमावत आदि उपस्थित थे। शहर के दिलवाड़ा रोड स्थित शिवगंज कॉलोनी में शनिवार को नई सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ वार्ड पार्षद माया शंकर यादव ने किया। नई सड़क निर्माण कार्य शुभारंभ के मौके पर उपस्थित वार्डवासियों ने वार्ड पार्षद का स्वागत करते हुए उक्त कार्य के लिए आभार जताया। इस दौरान वार्डवासी अमित बंसल, मुकेश गर्ग, नीलेश झंवर, वीर सिंह, ओम प्रकाश सेन, मान सिंह सोलंकी, राजेश लांबा, यादव राजकुमार व सत्यनारायण, राजेंद्र यादव, श्याम सिंह, राहुल अग्रवाल, नितिन लोहिया तथा सुशील शर्मा सहित वार्डवासी उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में विभिन्न संगठनों ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। पुलिस तथा पुलिस मित्रों ने निकाली सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली। शहरवासियों को दिया सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश। बलार रोड सुरेश नगर में सोने मकान में अज्ञात चोरों ने किया हाथ साफ। 40 लाख की नकदी सहित उड़ाए सोने चांदी के आभूषण। और शहरी क्षेत्र से पार्किंग हटने से बढ़ेगी परेशानियां या फिर मिलेगी राहत। बाजार के अधिकांश व्यापारियों ने किया पार्किंग व्यवस्था का समर्थन।